दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी अलग अलग होती है। कोई इंसान 10,000 रुपए कमाकर भी खुश है तो कोई 50,000 कमाकर भी निराश। इसी तरह एक गरीब बाप का बच्चा होता है जिसे एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती है, और वहीं दूसरी तरफ अमीर लोगों के बच्चे होते हैं जिनका सुबह का जूस भी उनके बेड तक खुद घर के नौकर लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक गरीब व्यक्ति हमेशा ही गरीब रहेगा, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि गरीब या मिडिल क्लास परिवार में जन्म लेना आपकी गलती नहीं होती, लेकिन उसी गरीब परिवार में मर जाना ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीब होने के बावजूद आज करोड़ों रुपयों के मालिक बन चुके हैं, और आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी जिंदगी में वो मुश्किल समय देखा जिसे देख और सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। और इनकी कहानी सुनकर हमारे जो भी भाई बंधु अपनी किस्मत को कोस रहे हैं वो भी कुछ करने का ठान लेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उस शख्स के बारे में जिसने अपनी गरीबी को छोड़कर आज 22 लाख करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। जी हाँ, आपने सही सुना, 22 लाख करोड़। दोस्तों, कुछ लोग अपनी विरासत में धन दौलत जमीन प्राप्त करके अमीर बन जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो फर्श से अर्श तक जाने के लिए कड़ी मेहनत करके खुद को एक सफल इंसान बना लेते हैं। उन्हीं में मेहनती लोगों में से एक थे लुईस विटॉन। जी हाँ, ये वही नाम है जिसका जिक्र दुनिया के सबसे महंगी लग्जरी ब्रांड में किया जाता है। चलिए आसान भाषा में आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, लुईस विटॉन कंपनी जो कि आज दुनिया भर में अपने बैग और लगेज के लिए दुनिया भर में चर्चित है, इसको खुद लुईस विटॉन ने अपनी मेहनत और हुनर के दम पर खड़ा किया। और आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं की जीवन गाथा के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, आज के समय में इस कंपनी की वैल्यू 22 लाख करोड़ है। लेकिन इस कंपनी के नींव रखने वाले व्यक्ति खुद लुई विटॉन के पास बचपन में खुद का सर ढकने के लिए छत भी नहीं हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जो भी किया खुद के दम पर किया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कामयाब लोगों की सिर्फ कामयाबी देखते हैं। उन्होंने उस कामयाबी तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की, कितना कुछ खोया, वो सिर्फ वही जानता है। अब ऐसे ही हर कामयाब शख्स की तरह ही लुईस विटॉन ने भी संघर्ष किया। तो चलिए इनके बारे में जानने के लिए पीछे चलते हैं। दोस्तों, इनका जन्म हुआ 4 अगस्त 1821 फ्रांस के जुरा गांव में, और ये वो समय था जब फ्रांस में नेपोलियन के चंगुलों की वजह से काफी लड़ाइयां हुआ करती थी। इनके पिताजी पेशे से एक किसान थे, वहीं इनकी माँ टोपी बनाया करती थी, और खेती में इतनी कमाई नहीं होती थी कि लुई के पिता अपनी पत्नी और बेटे लुई विटॉन को दो वक्त की रोटी खिला पाए, जिसके चलते लुई को अपने पिता के साथ काम करना पड़ा और साथ ही साथ जंगलों से लकड़ी भी इकट्ठा करनी पड़ी। अब जब धीरे धीरे लुई बड़े होने लगे तो गरीबी की वजह से इन्हें अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल सकी। दो वक्त की चैन की रोटी खाने के लिए लुई विटॉन फर्नीचर बनाने वाले कारीगरों के साथ काम करने लग गया। उस काम में उनकी इतनी कमाई तो नहीं होती थी कि वो कुछ पैसे जोड़ पाए, लेकिन उस काम को सीखकर उन्हें वो हुनर मिल गया जिसके बलबूते पर उन्होंने आज इस दुनिया में लाखों करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। अब दोस्तों, इतनी टेंशन भरी जिंदगी के बीच उनकी माँ की किसी कारण से मौत हो गई। इस समय लुईस की उम्र सिर्फ 10 साल की थी। माँ के गुजर जाने के बाद इनके पिता ने दूसरी महिला से शादी कर ली, लेकिन इनकी सौतेली माँ ठीक वैसे ही थी जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, क्योंकि इनकी सौतेली माँ ना तो खाना देती थी और ना ही इनसे प्यार। अब कुछ समय तक लुई ये सब सहते रहे, लेकिन 13 साल की उम्र में ये बच्चा पैदल 400 किलोमीटर चलकर पेरिस पहुँच गया। एक नए शहर में ना तो इनका कोई जानता था और न इनके पास कोई पैसे थे, लेकिन पेरिस में कुछ दिन रहने के बाद इनकी किस्मत थोड़ी बदल गई, या फिर यूं कहें कि किस्मत मेहरबान हो गई, क्योंकि इन्हें एक आर्टिस्ट और कारीगर की नौकरी मिल गई, जहां पर इन्होंने पत्थर, मेटल और लकड़ी का काम सीखना शुरू किया। काम तो ये पहले से जानते थे क्योंकि इन्होंने बचपन में काम किया हुआ था, लेकिन इस नौकरी के बावजूद भी ये कंबल ओढ़कर लकड़ी के ऊपर सोया करते थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, तो ठीक इसी तरह इनका समय भी बदलने वाला था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते पेरिस में ट्रेन की शुरुआत हो चुकी थी। जहां पहले लोग पानी जहाज के जरिए ट्रैवल किया करते थे, अब पेरिस में लोग ट्रेन से सफर करने लगे। लेकिन इस समय यात्रियों को एक प्रॉब्लम अभी भी होती थी, और वो थी यात्रियों के सामान को लेके जाने की, क्योंकि लोग अपने साथ फर्नीचर, पेंटिंग, कपड़े और अन्य चीज लेके ट्रैवल किया करते थे। अब इस प्रॉब्लम को वहाँ के कारीगरों ने समझ लिया, और लोगों की समस्या का हल निकालने के लिए कारीगरों ने बड़े बड़े लकड़ी के बॉक्स बनाना शुरू कर दिया। और इस समय लुई को अपने लिए भी अच्छा मौका दिखा, क्योंकि लुई लकड़ी का काम ठीक से जानते थे। शायद ऊपर वाले ने इनकी मेहनत पे नजर मारी होगी, क्योंकि काम सीखने के बाद ही इन्हें मोंसियर मारेशल ने अपनी फर्नीचर की दुकान में नौकरी दे दी। अब इस दुकान पर लुईस विटॉन कारीगर के तौर पर काम करने लगे, लेकिन अभी भी इनको बहुत कम पैसे मिला करते थे, जिससे ये सिर्फ दो वक्त की रोटी ही खा पाते थे। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब तक हीरा घिसेगा नहीं तो चमकेगा कैसे। बस यहीं से लुई भी अपने हुनर में काम करने लगे, और देखते ही देखते पेरिस के अमीर लोगों को उनके द्वारा बनाए गए लकड़ी के बक्से पसंद आने लगे, और मोंसियर के बहुत सारे क्लाइंट लुई से ही अपने
में लकड़ी के बॉक्स बनवाने लगे। ये वो समय था जिसका इंतजार लुई बचपन से कर रहे थे। इनके कामों की इतनी प्रशंसा होने लगे कि फ्रांस की महारानी ने लुई को अपने पर्सनल बक्से बनवाने के लिए अपने महल में ही नौकरी दे दी। लेकिन एक सालों के बाद महारानी के पास काम करने के बाद लुईस ने खुद के नाम पर ही अपनी एक दुकान खोली, जिसको आज हम लुईस विटॉन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस दुकान को खोलने के बाद लुई ने लोगों की समस्या पर गौर किया। दरअसल शुरुआत में लेदर के बक्से ऊपर से डॉम के आकार के बनाए जाते थे, जिसे जब बारिश होती थी तो पानी बक्सों के ऊपर नहीं रुकता था। लेकिन इस बक्से में परेशानी ये थी कि इस तरह के बक्सों को एक के ऊपर एक नहीं रख सकते थे। अब दोस्तों, लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए लुई ने लेदर के बक्सों की जगह कैनवास का प्रयोग करके बक्सों को रेक्टेंगल शेप में बनाना शुरू किया। कैनवास का इस्तेमाल लुईस ने इसलिए किया क्योंकि एक तो ये सस्ता था और इसी के साथ साथ ये वाटरप्रूफ भी था। आपको बता दें कि लुईस के इस आइडिया ने उस समय बॉक्सेस के इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। अब कैनवास का इस्तेमाल करके लुईस ने बक्सों को रेगुलर यानी कि रेक्टेंगल प्लेन शेप के आकार में बनाना शुरू किया और इससे लोगों को फायदा ये हुआ कि लोग अपने बक्सों को एक के ऊपर एक रख सकते थे। इसके अलावा ये बक्से देखने में भी काफी शानदार लगते थे। यहां से लुईस का वक्त बदलने लगा। अब उनके पास रहने को घर में दुकान, पैसे, बीवी बच्चे भी थे जो कि सुख भरी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान जो गरीबी से निकला होता है उससे और भी ज्यादा कामयाब होने का मन करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1856 में लुईस विटॉन की दुकान को पेरिस का हर व्यक्ति जानने लगा क्योंकि इनके द्वारा बनाए गए बक्से काफी सुंदर और टिकाऊ हुआ करते थे। अब दोबारा से लुई के दिमाग में आइडिया आया और फिर इन्होंने हैंडबैग बनाना भी शुरू किया। लेकिन लोग अपने साथ उस समय बैग लेके जाना पसंद नहीं किया करते थे, पर पेरिस की महिलाओं को लुईस का ये आइडिया बहुत पसंद आया और महिलाएं अपने कपड़ों के साथ हैंडबैग को मैच करके पहनने लगी। दोस्तों, आपने पहले के जमाने में बक्सों में लॉक लगा हुआ देखा होगा और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये लॉक लगाने का आइडिया लुईस विटॉन को उनके बेटे जॉर्ज विटॉन ने दिया, जिसके बाद पेरिस के मशहूर आर्टिस्ट लुईस विटॉन और भी ज्यादा फेमस होने लगे क्योंकि अब लोगों को बक्से के साथ साथ सिक्योरिटी भी मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अच्छा वक्त भी हमेशा अच्छा नहीं रहता, उसी तरह लुईस के साथ भी हुआ। दरअसल भाइयों, सन 1870 पेरिस में फ्रेंको प्रूसियन वॉर की वजह से उनका काम बंद हो गया। जर्मन और फ्रांस के बीच लड़ाई में लुई अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर चले गए। अब दोस्तों, वो दोबारा से सड़क पर आ गए क्योंकि लुईस के पास रहने के लिए छत भी नहीं थी। बाकी लोगों की तरह वो भी किसी पेड़ के नीचे ही रहने लगे। दोस्तों, लड़ाई खत्म होने के बाद लुईस दोबारा से अपनी दुकान पे गए, लेकिन युद्ध होने की वजह से उनकी दुकान तहस नहस हो चुकी थी और दुकान पे मौजूद सामान को भी जवानों ने लूट लिया। पर दोस्तों, लुई ने दोबारा से अपने हुनर के दम पर अपनी वर्कशॉप को सही किया और दुकान पे काम करके लेडीज बैग और बक्से बनाकर बेचने लगे। युद्ध होने की वजह से जमीन के रेट काफी कम हो गए, इसीलिए उनके पास जो कुछ भी पैसे थे उससे उन्होंने शहर के अंदर एक दुकान खरीद ली। अब दोबारा से इन्होंने अपनी मेहनत और हुनर से 6 महीने में ही अपनी दुकान चला दी। दुकान को वापस से अच्छे से चलाने के बाद इन्होंने अपने बनाए हुए बैग और बक्सों पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए नए पैटर्न्स को डिजाइन करने लगे। उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे कर दिया। अब लुईस विटॉन को पेरिस का हर शख्स जानने लगा। अपनी मेहनत और हुनर से ही उन्होंने 1885 में लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में भी एक अपनी दुकान खोल दी। दोस्तों, लुईस विटॉन के नए डिजाइन ने मार्केट में तहलका मचा दिया। लुईस विटॉन के प्रोडक्ट्स को पेरिस के साथ बाकी देशों के लोग भी पसंद करने लगे। दुनिया भर में इनके द्वारा बनाए गए बक्सों और बैग को पसंद किया जाने लगा और उस समय ये इकलौता ऐसा ब्रांड था जो अपने देश के अलावा भी बाकी देशों में अपने प्रोडक्ट्स को बेचा करते थे। यकीन मानिए, ये वो दौर था जब दुनिया के हर रईस इंसान के घर में लुईस विटॉन का बैग और बक्सा हुआ करता था। अब अपनी कंपनी के द्वारा बनाए गए सामान को दुनिया के कोने कोने में बेचने के लिए उन्होंने 1892 में एक कैटलॉग बनवाने का फैसला किया ताकि उनका प्रचार देखकर और भी लोग उनके प्रोडक्ट्स को खरीदें। पर दोस्तों, कहते हैं जब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए तो कोई भी हमें मरने से नहीं रोक सकता। 27 फरवरी 1892 में 70 साल की उम्र में लुईस विटॉन की मृत्यु हो गई। अब लुईस के बाद उनके बेटे ने अपने पिता द्वारा बनाई गई कंपनी को संभालना शुरू किया और उन्हीं की याद में जॉर्ज ने LV लोगो को पेटेंट करवा लिया। दोस्तों, ये वही LV है जिसे आज हम दुनिया भर के सिंगर्स के गानों में सुनते हैं। इसके अलावा आज LV कंपनी के सामान को दुनिया का हर व्यक्ति खरीदना चाहता है क्योंकि लुईस के द्वारा बनाई गई कंपनी दुनिया के सभी लग्जरी फैशन ब्रांड्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर बैठी हुई है। आज के समय की बात करें तो लुईस विटॉन कंपनी को बर्नार्ड अर्नोल्ड्स ने खरीदा हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि साल 2021 में अगस्त में बर्नार्ड अर्नोल्ड ने दुनिया के सबसे रईस इंसान जेफ बेजोस को पीछे कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस बच्चे की जिसने अपने हुनर और मेहनत के दम पर खुद को गरीबी रेखा से बहुत ऊपर ले गए, साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ी को इतना नाम देकर चले गए जिससे उन्होंने कभी खाने का मोहताज नहीं होना पड़ा। इनकी तरह और भी लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए
खुद को सफल बनाने के लिए जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल घड़ी को पार किया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, जो जिंदगी में आने वाली मुश्किलों से डर जाते हैं और वो हार मान जाते हैं। इनके इस जीवन गाथा से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप और भी लुईस विटॉन जैसे महान और सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।